जब आप जहां से इसको ऑन करोगे इसमें रेड लाइट जल जाएगी। अगर लाइट आपकी ओके है, गुड है, तो उसको ये पास कर देगा। अगर लाइट ओके नहीं है, जैसे हाई वोल्टेज आ रही है पीछे से, या लो है, या फ्लक्चुएशन हो रही है, तो उस समय ये इसकी रेड लाइट जल जाएगी, ठीक है। और जब वो जैसे ही लाइट करेक्ट रहेगी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली मशीन को दोबारा से ऑन कर देगा, और करेक्ट नहीं रहती है तो ये मशीन को बंद रखेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें MCB लगा हुआ है, ये जैसे आपकी मशीन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपकी मशीन टोटली बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर इसमें डिटर्जेंट आप डालते हो प्री वॉश में, तो प्री वॉश आपको यहाँ से सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं सिलेक्ट करते हो तो फिर वो उस हिसाब से यूज नहीं होगा। ये आपकी मशीन का मॉडल नंबर है, सिनेटर WSS8KG 1400 RPM, ठीक है। इसमें नया फंक्शन आया है स्टीम। उसके बाद ये आपके प्रोग्राम्स आ गए, एक्सप्रेस वॉश, सिंथेटिक, बल्की, एंटी एलर्जी, वूल, स्पिन और रिम के लिए। उसके बाद मिक्स डेली वाला, जिसमें आई लगा हुआ ना, ये स्टीम वाले फंक्शन है, इसके अंदर स्टीम भी चलेगी आपकी, ठीक है। मिक्स डेली आ गया, कॉटन आ गया, बेबी वेयर, जो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम। पावर स्टीम है, रिफ्रेश है, कॉटन इको प्लस है, क्रेडल वॉश है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये IFB कंपनी का पेटेंट प्रोग्राम है, ये किसी और कंपनी में आप नहीं देख सकते, ये उसी में मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी मशीन जहाँ से ऑन होगी, ठीक है, जब आपकी मशीन में प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एंड ऐसे ब्लिंक करेगा, ठीक है। फिर आपने जब नेक्स्ट प्रोग्राम लगाना है, सबसे पहले आपने मशीन के अंदर कपड़े लोड करने हैं। आपकी मशीन के अंदर 70% कपड़ों की लोडिंग होनी चाहिए। जब आप कपड़े मशीन के अंदर डालते हो तो कपड़ों के बीच से पेन, पेंसिल, कॉइन वगैरह निकाल देने हैं, ताकि वो मशीन को डैमेज ना करें। उसके बाद जो कलर कपड़ा, जो कलर छोड़ता है, उसको भी हटा देना आपने, ठीक है। और कलर कपड़ों को एक फैब्रिक में, एक वॉश में एक ही फैब्रिक धोना आपने। जैसे वुलन के कपड़े हैं तो वुलन अलग कर देने, कॉटन के तो वो अलग कर देने, ठीक है। उसके बाद 70% लोडिंग करनी है आपने, ठीक है, और दबा के नहीं डालने, आराम से डालने। 30% टब आपका खाली रहना चाहिए। उसके बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इस रबड़ स्लीव को ऐसे पीछे करना है, उसके बाद कॉटन के कपड़े से इसको चारों तरफ से साफ कर देना है, ऐसे खींच के ना, यहाँ पे कई बार मैल मिट्टी वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने डोर बंद कर देना है। अगर आप डोर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करोगे तो यहाँ पे डोर का एरर आ जाएगा। जब आप डोर बंद करोगे, यहाँ पे क्लिक की साउंड आती है, ठीक है, वो साउंड आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने मशीन ऑन करनी है, ठीक है, ऑन होगी आपकी मशीन। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, अभी जैसा इसका मिक्स डेली लोड है, ठीक है, विद स्टीम। इसके अंदर 3.5 किलो कपड़े डाल सकते हो आप, 1000 RPM की स्पीड मिलेगी, 1 घंटा 23 मिनट का फैक्ट्री सेटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर सिलेक्शन आपको मिल रही है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री और कोल्ड। जैसे गर्मियों के दिन है, आप गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? इसको प्रेस करना है, जो सिलेक्ट हो जाएगा वो स्टैंड हो जाएगा, वो जैसे 30 सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। फिर मैं प्रेस करता हूँ, 40 सिलेक्ट हो गया। सर्दियों में जैसे 40, और जैसे कोल्ड करना है, जैसे गर्मियों के दिन टंकी में पानी गर्म हो गया होता है तो हॉट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे भी मशीन के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, अगर आप गर्म का पानी का ऑप्शन सिलेक्ट भी कर लेते हो तो वो गर्म करेगी नहीं मशीन, ठीक है, क्योंकि उसको पता लग जाएगा अंदर गर्म पानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शंस। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिले स्टार्ट, टाइम सेवर, रिंस होल्ड, एक्स्ट्रा रिंस। जैसे कोई कपड़े ऐसे हैं जिनसे आपका डिटर्जेंट आसानी से नहीं निकल सकता है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिंस दे सकते हो, उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यस नो कर देना है, अगर नहीं चाहिए तो टिक हटा देना, ठीक है। यह अब रिंस होल्ड चाहिए, रिंस होल्ड का क्या है कि ये गंदा पानी बाहर निकाल के साफ पानी लेके मशीन रिंस पे आके रुक जाएगी आपकी, फिर आप उस पानी को दोबारा से यूज कर सकते हो, या दूसरे कपड़े डाल के, या उसी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे टाइम सेवर, जैसे आपका 1 घंटा 33 मिनट का प्रोग्राम है, अगर आप टाइम सेवर सिलेक्ट कर लेते हो 1 घंटा 5 मिनट का हो जाएगा। अच्छा। इसमें क्या होगा, जो वॉशिंग का टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि कपड़े नॉर्मली मैल है, ज्यादा मैल तो है नहीं, इसलिए आप टाइम सेवर इसमें दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ गया डीले स्टार्ट। जैसे आपने डीले स्टार्ट करना है, डीले स्टार्ट के लिए क्या कि आपने टाइम लगा देना यहाँ से आधे आधे घंटे का, पहले करेगा उसके बाद एक घंटा, एक एक घंटे से आधे आधे घंटे से ऐसे चलती रही है। ये क्यों कर रहा है? 24 घंटे तक के लिए ऐसे अभी एक एक घंटे का स्टेप ले रही है ये। जैसे आप ड्यूटी करते हो सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हो, तो आपने क्या करना, मशीन में टाइम लगा देना 8 बजे का, कपड़े धोने के बाद एक घंटे के बाद मशीन अपने आप 9 बजे बंद हो जाएगी, उस समय आपने करना कपड़े निकालने सुखाने के लिए रख देने, उसके बाद आप ड्यूटी जा सकते हो। ठीक है, तो ये घंटे के हिसाब से आप टाइम लगा सकते हैं जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉटन का, कॉटन स्टीम, इसमें आप 8 किलो कपड़े डाल सकते हैं कॉटन के ओनली। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे 57 मिनट का प्रोग्राम है, 8 किलो लोड डाल सकते हैं, 1000 RPM की स्पीड है। अब इसकी स्पीड वेरिएबल है, आप 1000 है ना, आपकी मशीन में 1400 RPM है, इधर दिखाओ। ठीक है, इसमें 1400 RPM है, बट फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से 1000 RPM दिया हुआ है। आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसको प्रेस करना आपने, 1000 है, 1200 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, ये कार्टन के कपड़े को आप दे सकते हो, बट अगर आप नॉन कार्टन होगा तो उसके लिए अलग होगा। अब इसमें 400 RPM भी रख सकते हो। अच्छा। ठीक है, वो आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इसमें टेम्परेचर की वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा दी हुई है, 95 तक जा सकते हैं आप, कोल्ड 20, 30, 40, 60, 95 तक, जो आपने सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ऑप्शंस, इसमें सबसे ज्यादा दिए हुए हैं, प्री वॉश का, सो का, रिंज होल्ड, रिंज एक्स्ट्रा रिंज का, रिंज होल्ड का, टाइम सेवर का, डीले स्टार्ट का। ठीक है, जो करना है वो जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां से चूज करना है और जहां से उसको यस नो कर सकते हैं। अब इसमें प्री वॉश मैंने सिलेक्ट किया है, जब आप प्री वॉश सिलेक्ट करते हो तो आपने यहाँ पे डिटर्जेंट डालना है 30 ml 20 ml। ठीक है, डर्ट लेवल के हिसाब से कम भी डाल सकते हो, ज्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद रिंस होल्ड करना, ये आप फंक्शन चूज करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका बेबी वेयर। बेबी वेयर में आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको कपड़े धोने के लिए आपको कोल्ड 40 डिग्री और 60 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, 8 किलो की 800 RPM की स्पीड मिलेगी स्पिनिंग में, 2 घंटे 25 मिनट का प्रोग्राम है, और 3 किलो कपड़े इसमें आप लोड कर सकते हो। ठीक है, और फीचर्स आपको मिलेगा डीले स्टार्ट, टाइम सेवर, रिंस होल्ड, एक्स्ट्रा रिंस और सो, ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट करने कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है आपका पावर स्टीम। पावर स्टीम में आपका 2 बार मशीन स्टीमिंग करेगी। ठीक है, एक शुरू में करेगी, एक एंड में करेगी। इसमें आपको 3 किलो कपड़ों की लोडिंग करनी है, 800 RPM की स्पीड मिलेगी स्पिनिंग की, और आधे घंटे का प्रोग्राम है, और आपको 3 प्रोग्राम मिलेंगे इसमें, डीले स्टार्ट, रिंस होल्ड और एक्स्ट्रा रिंस, ये ऑप्शन 3 आपको मिलेंगे। रिफ्रेश है, रिफ्रेश हो गए जैसे आपने कपड़े कपबोर्ड में रखे, उसके बाद अभी सर्दियां आ गई हैं, वो कपड़े आपने लगाने हैं, उनमें क्या हो सकता है बैक्टीरिया हो गया हो कोई, जहाँ कोई भी, उसको खाली साफ करना है, उसके लिए आप ये रिफ्रेश वाला मोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डिटर्जेंट डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिटर्जेंट हमने डाल के ही रखना है जब डालना है, जब आप प्रोग्राम लगाओगे उस समय डालना है, अदरवाइज कोई, तो इसका कोई है या अपनी मर्जी से पूरा फुल कर देना, वो कपड़ों के डर्ट लेवल के हिसाब से आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा है थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, अगर ज्यादा मैले नहीं आप कम भी डाल सकते, मशीन पूरा ले लेती है जितना डालते हैं हम, मशीन तो सारा ले लेगी जितना आप डालोगे। उसके बाद आ गया कॉटन इको प्लस। कॉटन इको प्लस प्रोग्राम होता है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम होता है, इसमें आपकी एनर्जी की सेविंग होती है। जैसे इसमें हीटर जो आपको 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर देगा, ठीक है, बट आपको वॉशिंग क्वालिटी 95 डिग्री वाली मिलेगी। इसमें जो वॉशिंग टाइम वो ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है मैल जल्दी साफ हो जाती है और अच्छे से साफ हो जाती है। 2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, 8 kg लोड है इसमें आप डाल सकते हो, 1000 RPM की स्पीड चलेगी, टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री मिलेगा। ऑप्शंस ये 4 मिलेंगे आपको, सिलेक्टेबल है, करने हैं ठीक है, नहीं करने हैं कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आया था आपका क्रैडल वॉश। क्रैडल वॉश में आप जब यूज करोगे तो इसमें आपका टब 60 डिग्री नहीं घूमेगा, ये सिर्फ आधा घूमेगा इसे। अच्छा, आधा घूमेगा ये, ठीक है, क्रैडल की तरह। हाँ, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा डेलिकेट जो कपड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा जो पार्टी वेयर वाले जो महंगे आपके जो कपड़े हैं, जैसे छोटे बच्चों की फ्राकें वगैरह होती हैं, उसमें शीशे वगैरह, हाँ, सीपियाँ वगैरह लगे होते हैं, ठीक है,
उन कपड़ों का इस मोड में धो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा इसमें, 38 मिनट का प्रोग्राम है, 2 किलो कपड़े डालने आपने को और 400 आरपीएम की स्पीड रहेगी उसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका टब वाला वॉच स्टार्ट करूंगा। ये तो थोड़ा कपड़े कोई नहीं पाए, जीरो लोड, ठीक है, स्पिनिंग जीरो। ठीक है, टाइम 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे। ये कितनी देर बाद करना है? ये हर महीने करना है आपने, महीने के बाद। हाँ, अभी तो आपको करना चाहिए क्योंकि अभी तो कोविड का चल रहा है ना, तो जरूरी है अभी करना, 15-15 दिन के बाद। हाँ, अब हफ्ते में एक बार खाली खाली आप 95 डिग्री पे रख के भी आप इसको स्टरलाइज कर सकते हो, बट इसमें रखने से क्या होगा, आपकी स्केलिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो बेटर रहेगा आप डी स्केल पाउडर, ये पाउडर आता है, ये डाल के आपने इसमें सर्विसिंग करनी है इसकी। अपना हमें बुलाना, हम आके सर्विस कर देंगे आपको। ठीक है, इसकी सर्विस मिलती है? हाँ, इसकी 4 साल 100% वारंटी है, आप कभी भी हमें फोन करके बुला सकते हो। हाँ, तो हम आपसे कोई सर्विस के चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक है, खाली ये पैकेट लगेगा, इसके चार्जेस लगेंगे आप। उसके बाद आ गया आपका रिंस प्लस स्पिन। अगर आप जैसे कपड़े आपने बाल्टी में डिप करके रखे हैं सर्फ के अंदर, उनको आपने साफ करना है, जैसे 2 घंटे बाद वॉश करना है, तो आप सीधे मशीन के अंदर डाल दो, ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना, और ये 16 मिनट का प्रोग्राम है, और इसमें 8 किलो तक कपड़े आप डाल सकते हो कॉटन के, 1000 आरपीएम की स्पीड से ये चलेंगे। 3 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, एक्स्ट्रा रिंस, टाइम सेवर और डिले स्टार्ट। ठीक है, सिलेक्ट करना करना, नहीं करना तो स्टार्ट कर दो। उसके बाद आ गया वूलन का। अब वूलन के जो कपड़े हैं वो इसमें 2 किलो डाल सकते हो आप, 800 आरपीएम की स्पीड मिलेगी, 54 मिनट का बाद चाहिए, 40 और 30 डिग्री इसमें टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, कोल्ड भी मिल जाएगा, डिले स्टार्ट, रिंस होल्ड, एक्स्ट्रा रिंस, ये आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है। वूल के कपड़े हैं, कई वूल के कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें गर्म स्टीम जो है ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कोल्ड के बाद एंटी एलर्जी आ गया, जैसे कोई पेशेंट है उसको सर्फ से एलर्जी है, ठीक है, तो इस मोड में आप उसके कपड़े दोगे उसको एलर्जी नहीं होगी, इसमें क्या होगा डिटर्जेंट आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा रिंस मिलेगा आपको लास्ट में। उसके बाद इसमें 800 आरपीएम की स्पीड मिलेगी, 2 घंटे 12 मिनट का प्रोग्राम है, 3 किलो कपड़ों की लोडिंग है, और टेम्परेचर आपको मिल जाएगा 40 और 60 डिग्री। इसमें कोल्ड ऑप्शन नहीं आएगा आपको, क्योंकि पेशेंट के कपड़े हैं तो उनको स्टरलाइज थोड़ा सा करना पड़ता है। ये आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, सोक, एक्स्ट्रा रिंस, रिंस होल्ड, टाइम सेवर, डिले स्टार्ट। ठीक है, सिलेक्टेबल है, करने करो, नहीं करने कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आ गया हैवी कपड़े जैसे बेड शीट वगैरह, उनके लिए आपका आ गया, इसमें 600 आरपीएम की स्पीड रहेगी, 1 घंटा 12 मिनट का प्रोग्राम है, और 2 किलो कपड़े डालने हैं आपने इसमें। उसके बाद 3 टेम्परेचर सिलेक्शन है, 40, 60 और कोल्ड, बल्कि मैं जैसे कंबल वगैरह। हाँ, और ऑप्शन इसमें सारे दिए हैं, प्री वॉश, सोक, एक्स्ट्रा रिंस, रिंस होल्ड, टाइम सेवर, डिले स्टार्ट। ठीक है, सिलेक्टेड करना करो, नहीं करना कोई जरूरत नहीं है। सिंथेटिक कपड़ों के लिए आ गया आपका, 1 घंटा 53 मिनट का प्रोग्राम है, 3.5 किलो कपड़ों की लोडिंग है, 800 आरपीएम की स्पीड से स्पिनिंग होगी, और ये टेम्परेचर सिलेक्शन है इसमें, कोल्ड 20, 30, 40 और 60 डिग्री है। ये सारे ऑप्शन इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्टेबल है, करने करो, नहीं करने कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आ गया आपका, इसमें आपकी 800 आरपीएम की स्पीड रहेगी, 15 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, और 2 घंटे का 2 kg इसमें कपड़ों की आप लोडिंग कर सकते हो। इसमें है क्या एक्सप्रेस? इसमें आ गया जैसे आपके जॉगिंग वाले कपड़े हैं, जिम वाले कपड़े हैं, या ऐसे कपड़े हैं जो जैसे 10-15 मिनट 1 घंटे के लिए आप पार्टी में गए वो आए उनको साफ करना है, उसके लिए ये। इन कपड़ों में मैल नहीं होती है, खाली पसीने की स्मेल हो सकती है, उसके लिए ये आपने यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें